भाई उठ भी नहीं रही, इतनी भारी थाली है। सर अभी हम आ गए ढाबा के अंदर, सर क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। थैंक यू सर आपने हमें बुलाया। सर अपना नाम बता दीजिए, क्या है? मेरा राजीव कुमार। राजीव? हाँ जी। तो राजीव जी ढाबा काफी पुराना लग रहा है देखने में अपना, कितने साल पुराना एक बार बताइए। 65 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी। बहुत ही कमाल है जी। और सर किन्होंने शुरू किया था ढाबा? ये पड़नाना जी ने। आपके पड़नाना जी ने शुरू किया ढाबा? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है यार। और सर सामने में देख पा रहा हूँ बिल्कुल बाहरी तंदूर ही लगा हुआ, एक बार दिखाएंगे क्या क्या है तंदूर में। तो ये यार सामने लगा हुआ लच्छा पराठा, और ऊपर क्या लगा हुआ सर? ये कस्तूरी मेथी अजवाइन। वाह, ऊपर कस्तूरी मेथी और अजवाइन लगी और लगातार भाई लच्छा पराठा लग रहे हैं यहाँ पर। और ये तंदूरी रोटी लग रही है भैया? तंदूरी रोटी है जी, बहुत ही बढ़िया जी। ये है जी बटर नान, बहुत ही कमाल। तो सर सब्जियां कहाँ है ढाबा पे? आओ जान दिखाइए, आओ जी। ढेर सारी सब्जियां ढककर रखी हुई है सर, मुंह दिखाई तो करवाओ इनकी। आओ जी आओ। एकदम कमाल की रंगत वाली पालक है, और इसमें पनीर सर बाद में डलता है? हाँ जी बाद में जी, फ्राई करके। बहुत ही बढ़िया। और ये आ गया जी कड़ी पकौड़ा, हुआ और एकदम बड़े बड़े पकौड़े हैं जी। ये आ गया जी कड़ाही पनीर, वाह। बीच में कैप्सिकम ऑनियन टोमेटोज, काफी बढ़िया ग्रेवी लग रही है। अब ये आ गया जी मशरूम मटर, ये ग्रेवी वाला। ओहो ग्रेवी चेक करो यार कितनी कमाल की है, और जो खुशबू आई मशरूम मटर की बहुत ही लाजवाब। तो सर जब ढाबा की शुरुआत हुई थी तब कितनी सब्जियों से हुई थी? ज्यादा से ज्यादा 2-3। अच्छा, क्योंकि उस समय समय कुछ और था जी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती जा रही है, सब्जियां बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट सब्जी क्या सर? ये है जी आलू मटर। ये आगे भाई आलू मटर सबके घरों की शान, ये भी ग्रेवी वाले हैं। और इसमें आलू भी बाद में डलते हैं? आलू भी बाद में डालते हैं। क्या बात है यार, पनीर तो बाद में डलता देखा ढाबों में मैंने, यहाँ आलू भी बाद में डाले जाते हैं। ये है जी शाही पनीर। ये आगे जी शाही पनीर, और बढ़िया काजू और मगज वाली ग्रेवी लग रही है एकदम लुक कमाल की। ये आगे जी राजमा, और बहुत ही गाढ़े राजमा है भाई साहब। नेक्स्ट आ गई यार हर ढाबा हर रेस्टोरेंट की शान दाल मखनी। ये आ गए जी नेक्स्ट चीज टमाटो की ग्रेवी, और ऊपर रोगन कमाल का, और ग्रेवी बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। ये आ गई यार सामने आलू गोभी, और एकदम घर जैसी रंगत लग रही है। ये भी सर फ्राई होती है? हाँ जी हाँ जी। अगर सर किसी को बिना तड़का लेके जानी हो सब्जी तो वो भी ले जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जी। तो यार सारी सब्जियां आपको दिखा रही है, अब सामने मेन्यू आप चेकआउट कर लो। सारी सब्जियां जो आपको दिखाई है ना वो विद प्राइस लिखी हुई है। सर मैंने एक और चीज देखी आपके ढाबे पे, अभी कुछ कस्टमर आए आपने उनको दाल 20 रुपए में भी दे दी। हाँ जी, वो अनफ्राई ले जाते हैं 20 की 30 की जितनी की इच्छा हो। अच्छा, मतलब जिसको नहीं तड़के वाली दाल चाहिए वो 20-30 में भी दाल ले जाता है। सर एक थाली की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है कि भाई थाली एक ऐसी है कि बंदा खाता जाए खत्म नहीं होती, वो क्या चीज है? वो है जी ओल्ड करतार स्पेशल थाली। वाह, तो सर लगा के दिखाइए क्या चीज है। लो जी, सर अभी हमारे साथ दीपक भाजी हैं, रमेश भैया के छोटे ब्रदर हैं। तो सर क्या लगाने लगे हो अभी आप? सर पहले दाल मखनी लगाएंगे। दाल मखनी से शुरू होगी। तो थाली की पहली आइटम आ रही है जी दाल मखनी, और ये आ गया जी तड़का प्याज और टमाटर का बना बनाया तड़का रखा हुआ जी यहाँ पे। ये आ गए जी गर्मा गर्म दाल तड़के के अंदर जो बन रहा है बिल्कुल ग्राहक के सामने बनाया जा रहा है। ये क्या है सर? गरम मसाला। ये आ गए जी दाल के अंदर गरम मसाला, और ये दाल लगा रहे हो इसमें और क्या क्या आएगा थाली में? बहुत कुछ आएगा जी। तो यार बहुत ही लोडेड थाली होने वाली है। तो यार ये आ गई दाल रेडी होकर कटोरी के अंदर, और लुक चेक करो फाइनल क्या कमाल के है, एकदम गर्मा गर्म दाल। अब ये लगने वाले जी राजमा कमाल के। अच्छा भाजी एक बात बताओ, जैसे भी मैं देख रहा हूँ पाजी अभी कस्टमर्स को मैनेज कर रहे हैं आपके बड़े भाई, और आप यहाँ पे तड़के लगा रहे हो, आप दोनों भाई मिलके ढाबा चलाते हो? हाँ दोनों भाई मिलके चलाते हैं। मेरा नाम मोनू है, उनका नाम सोनू है। अच्छा, तो आपका घर का नाम मोनू और सोनू है? हाँ जी। कमाल है यार। तो मोनू भैया हमारे लिए लगा रहे हैं राजमा, और राजमा देखो क्या कमाल के हो गए। एक और मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी यहाँ पे, कि जो भी चीज है ना बॉन मैरी से डाल के नहीं आपको प्लेट में मिलेगी, हर चीज तड़का मार के बढ़िया गर्म करके दी जाएगी। अब ये आ गई जी सेकंड सब्जी राजमा। मोनू भैया दो सब्जियां तो होगी, अब क्या आ रहा है? कढ़ाई पनीर आ रहा है। अच्छा, और कितनी सब्जियां आएगी इसमें? जी आपने इतने ढाबे किए होंगे व्लॉग बनाए, लेकिन जो थाली हम ले रहे हैं वो किसी ढाबे पे नहीं है। भैया का कहना आपने बहुत सारी वीडियोस की होंगी, पर आज जो आपको थाली दिखाने वाला हूँ ना ये थाली आपने किसी और ढाबे पे देखी नहीं होगी। तो भाई तीसरी सब्जी आ गई है कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई पनीर बनने। ये आ गई यार शिमला मिर्च, और भाई शिमला मिर्च का आगमन होते ही कढ़ाई के अंदर आग, पनीर आ गया, थोड़ी केचप आ गई, और लुक चेक करो कढ़ाई पनीर की। ये आ गई ऊपर से क्रीम, और ये जी फाइनल लुक तैयार कढ़ाई पनीर की। ये आ गई जी मिक्स वेज रेडी होकर, और ये आ गया जी मशरूम मटर, ये आ गई जी जीरा राइस। पर इतना सारा कुछ बनता हुआ दिखा दिया, अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या क्या आएगा इस थाली में, एक बार दिखाओ क्या क्या आएगा। ये आ गई जी सबसे पहली आइटम दाल मखनी, बहुत ही कमाल। अब ये आ गई जी सेकंड आइटम कढ़ाई पनीर, और ये आ गया भाई साहब मशरूम मटर, ये आ गए जी राजमा। अब ये क्या डाल रहे हो भाई आप एक्स्ट्रा? कढ़ी जी कढ़ी। ये आ गई जी कढ़ी और पकौड़ा, ये आ गए जी जीरा राइस,
और ये थाली भाजी पूरी कंप्लीट है? नहीं जी, अभी इसके साथ आपको रोटी मिलेगी, पराठा मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, सैलड आएगा, रायता आएगा। सैलड और रायता भी आएगा? यार थाली चेक करो कितनी ज्यादा कमाल की है। पर ये वो खुफिया स्कीम तो बताओ क्या है इस थाली के साथ? जी जो ये अकेला खाएगा, ठीक है जी, ये उसके लिए पड़ेगी 200। ओके, रोटी अनलिमिटेड है, रोटियां जितनी मर्जी ले लो साथ। क्या बात है, शेयरिंग में करेंगे 2% होंगे तो 2 लच्छे परांठे हैं। अच्छा, उसके बाद रोटी जितनी लेंगे उसके एक्स्ट्रा। ओके, तो यार अगर आप ये थाली शेयर करके खाओगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो 2 लच्छे परांठे मिलेंगे और 6 सब्जियां, राइस, रायता, सलाद मिलेगा। क्या बात है यार। और भाई अगर अकेले हो, जितनी मर्जी रोटियां खाओ दबा के। भाई जैसे आपको वीडियो की स्टार्ट में बता दिया ना, बफे बहुत सारे दिखाए हैं, पर ढाबा अनलिमिटेड सामान दे रहा है वो पहली चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, पहली सब्जी ये तो थोड़ी किचन से आती आती यहाँ पे सो गई है। सर्दी का टाइम है, पूरा वॉल्केनो वाला सीन है, ऊपर से लावा जम हुआ पर अंदर से भाई ज्वाला ही ज्वाला है। ये गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा, वाह यार, एकदम थिक ग्रेवी। और ये पकौड़े का साइज चेक करो भाई, क्या बात है, अरोड़ा जी की छाती से बड़ा पकौड़ा है यहाँ पे। ये रहा जी मिक्स वेज, और ये है जी मशरूम मटर, वाह। अब ये आ गई जी गर्मा गर्म दाल मखनी, और ऊपर देख रहे हो ना दाल मखनी है, तो भाई मक्खन पूरा एकदम ढेर सारा ऊपर। और देसी ढाबे पे यार खाने की जो बात होती है ना, वो कोई रेस्टोरेंट, कोई बफे, कोई नहीं मैच कर सकता। ये आ गया जी कड़ाही पनीर, और जो बिल्कुल फील आ रही ना फूड की, वो एकदम टिपिकल देसी ढाबे जैसी। साथ में है जी बूंदी रायता, और ये सलाद, और हमने लिए साथ में लच्छे पराठे। लच्छे पराठे लोगे तो 2 मिलेंगे, चपाती लोगे तो जितनी मर्जी भाई, अनलिमिटेड। अब आओ फटाफट, लच्छा पराठा, फ्लेकी लच्छा पराठा। ये है जी दाल, और इसको लोड करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अरे वाह, ये देखिए यार मक्खन बढ़िया डाला हुआ है, अच्छी कैरामलाइज हुई है देख के अंदर, मतलब मुंह में डालोगे घुलती जाएगी यार। नेक्स्ट आइटम आओ अब, ये जी कड़ाही पनीर, और भैया ने ना तड़का बढ़िया मारा इसको, कमाल का धुआं ही धुआं हो गया, आग ही आग हो गई पूरी। ये है रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं ना हम पनीर वैसा। अब ये रे जी राजमा, एकदम गाढ़े बढ़िया राजमा, लोग राजमा चावल भी खा रहे थे यहाँ पे, हम राजमा के साथ लच्छा पराठा देते हैं, बहुत ही बेहतरीन राजमा है। ये आगे जी कढ़ी और पकौड़ा, ये है जी पकौड़ा, बेसन का बढ़िया पकौड़ा और साथ में कढ़ी, राजमा कढ़ी और दाल ने भाई दिल ले लिया, एकदम कमाल की बढ़िया खटास है कढ़ी में। ये आगे जी फटाफट अपना मिक्स वेज, मिक्स वेज जो होता ना यार एक बाइट में पता नहीं लगता, ये तो पूरी कटोरी खाओ आप फिर मजा आएगा। नेक्स्ट है जी मटर मलाई मेथी, और देखने में बहुत कमाल लग रही है। एंड में यार सीन ऐसा कमाल का खाना है, 200 रुपए में ये थाली आप देखो एक बार, भाई उठ भी नहीं रही इतनी भारी थाली है। इतना लोडेड खाना ना ढाबा में मिल जाए 200 में, और क्या चाहिए। और जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए लोकेशन, और जो मुझे चाहिए वो आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट, वो दे जाओ और लोकेशन ले जाओ। हमारी लोकेशन है जी अड्डा होशियारपुर चौक फाटक से पहले, सरदारी फोरेक्स के बिल्कुल सामने, ओल्ड करतार ढाबा, जलंधर सिटी।